लादेन को ढूंढ के खत्म कर दिया, नहीं तो उनकी नजर बनारस पे थी उससे पहले। आप ध्यान से देखिए, अगर लादेन टाइम से पकड़ा ना जाता तो हमारे कवि समाज से एक कवि कम हो जाता लादेन के धोखे में। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए और सलीम शिवालवी को आवाज दीजिए जो आपकी काशी से हैं, बनारस से हैं, और लादेन हमारे पीछे आके खड़े हो गए हैं। हम आपके और लादेन के बीच से हटते हैं। एक बार समूचा उद्घोष हो जाए तालियों का, सलीम शिवालवी को आपके हवाले करो। बड़े ही मन से सुन रहे हैं, अच्छा लगा। भाई अशोक सुंदरानी जी न जाने क्या क्या मेरे बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं किसी का बकाया नहीं रखता भाई साहब। चार पंक्ति हाजिर कर रहा हूं, सुने। स्वागत। ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने मन के गामा हैं, ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने मन के गामा हैं। सुबह से किस घड़ी विस्फोट कर जाए ओसामा है, से किस घड़ी विस्फोट कर जाए ओसामा है। तो मियाँ क्यों के मेरी बीबी के भाई है, मेरे बच्चों के मामा है। ये ताली थोड़ी कमजोर है। इन्होंने मुझे लादेन कहा, मैंने अभी कर्ज नहीं चुकाया भाई साहब। हाँ भाई साहब, खींच लीजिए आप भी। अभी क्या क्या बता रहे थे कि पास उसके भी कैमरा होगा, पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा। अग्रिम समझ रहे हैं आप लोग? पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा, ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, हर कोई और खींचता। बहरहाल अभी ये बनारस है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कर्ज मैंने नहीं चुकाया, चार पंक्ति में कर्ज चुका लूं, अगर मजबूती से कर्ज चुक जाए तो एहसास दिला दीजिएगा। आज जिनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया है, चार पंक्ति में हाजिर करना चाहता हूं। नाज इन पे तमाम करते हैं, जिनके याद में प्रोग्राम सजाया गया, अगर उन पर ना बात की जाए, चार पंक्ति हाजिर करता हूं तुम्हें। कि नाज इन पे तमाम करते हैं, फक्र हर खास व आम करते हैं, इनको काशी के चाहने वाले आज दिल से सलाम करते हैं। बहुत अच्छे सलीम भाई, बहुत अच्छे सलीम भाई करते हैं। और अब कर्ज चुकाने जा रहा हूं कि हम हैं लादेनगर तो ये बुश हैं, हम हैं लादेनगर तो ये बुश हैं, लोग दोनों से कब कहां खुश हैं। थोड़ा कमजोर है, एहसास दिलाइए कि हम हैं लादेनगर तो ये बुश हैं, लोग दोनों से कब कहां खुश हैं। अरे हैं ये जालिम, इन्हें मिटाने को सिर्फ भारत के पास लौ कुश हैं, बहुत अच्छे, सिर्फ भारत के पास लौ कुश हैं। और ये दाढ़ी देख करके इन्होंने लादेन कहा है भाई साहब। क्यों दाढ़ी से चिढ़ है वह हाजिर करना चाहता हूं चार पंक्ति में, थोड़ा हास्य का माहौल, उसके बाद कुछ मैं भी पढ़ूंगा दो चार। स्वागत स्वागत। के अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, क्यों दाढ़ी से चिढ़ है वह हाजिर करना चाहता हूं, कि अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, रूठ जाए तो मना लेता हूं, अपनी नजरों में बिठा लेता हूँ, रूठ जाए तो मना लेता हूँ,
इनकी वाली को बुलाने के लिए काम दाढ़ी से चलाने बड़े मस्ती में भाई साहब हंस रहे हैं आप पूरी मस्ती में। हाँ टाई एकदम टना टन और बाल एकदम काला भाई साहब आपके लिए भी हाजिर कर रहा हूँ। आजकल एक फैशन चला है भाई साहब 60 साल 65 साल 70 साल के हैं और डेंट पेंट करा करके फर्स्ट क्लास 22 साल के हो जा रहे हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सम्मान का हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत के खून में अब रवानी नहीं आने वाली क्या बात खून में अब रवानी नहीं आने वाली वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली बाली रंगवा के कोई लाखी भी काला कर ले लौट कर फिर से जवानी नहीं भाई इधर ठीक ठाक है ऐसी बात नहीं है अभी भी काला है भाई साहब। ये हाँ अगर रंगना होता तो मैं सामने का रंगता ये भैया इनको बाहर कर दीजिए। जमाना बदल गया जब तानसेन गाते थे तो हिरण मृग बारह सिंह नहीं नहीं खुद बखुद बाहर हो जाएंगे उस पार चला जाएगा। मैं अपमान नहीं करता सम्मान में पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ। चार पंक्ति सुने के फसल जब उग नहीं सकती फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। क्या हंस रहे चाचा जान क्या बात है आपको इधर से सलाम भाई से कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता। जब इनकी दोष तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी अरे कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। बहुत अच्छे ये थोड़ा सा हंसने हंसाने के लिए आपसे जुड़े और आज मैं चार पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। यही बगल में तुलसी घाट तुलसीदास जी रामायण यही लिखे चार पंक्ति में हम रामायण हाजिर करना चाहता हूँ। स्वागत 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 क्या बात है मजबूती से चार पंक्ति में वो बात सिमट गया हो तो पूरे सदन का समर्थन चाहिए। स्वागत है। स्वागत भैया हाजिर स्वागत सलीम शिवालवी और चार पंक्तियों में रामायण पढ़े ये तो तालियां बजने वाली बात तो है और भी बनारस की सरजमी पर मानव के जीवन को सुंदर मार्ग दिखाया तुलसी ने। मानव के जीवन को सुंदर मार्ग दिखाया तुलसी ने कलम से अपने धर्म क्रांति का बिगुल बजाया तुलसी ने। मानव के जीवन को सुंदर मार्ग दिखाया तुलसी ने कलम से अपने धर्म क्रांति का बिगुल बजाया तुलसी ने। मिल्लत प्रेम दया सच्चाई इससे बेहतर कुछ भी नहीं रामचरितमानस के जरिए यही बताया तुलसी ने। रामचरितमानस के जरिए और एक खुशी बताया ये हौसला एक साइड नहीं होता भाई साहब हौसला हमारे पास भी है देश प्रेम हमारे पास भी है वो हाजिर करना चाहता हूँ। सुने स्वागत स्वागत के इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। कमजोर है भाई साहब उस पार तक आवाज जानी चाहिए कि इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। बेहतर है कि अपने से वतन छोड़ दे वरना ऐसों को मिटा देने से इनकार नहीं है। ऐसों को मिटा
बहुत बहुत अच्छे। अतुल भाई सुनिएगा, स्वागत। ऐसों को मिटा देने से इनकार नहीं है, चार पंक्ति और हाजिर कर रहा हूं कि मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे। हाय हाय, ये है बनारसी अंदाज। मोहब्बत हो हेट बनारसी अंदाज, तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। तबाही या सुकून, जो चाहते हो मुंतखब कर लो, सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं। बहुत अच्छा। दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे। दिमाग हो कहीं, ठीक है आप सनातन में हैं, मैं इस्लाम में हूं, वो सिख हैं, वो जैन हैं, जो जहां है रहे। दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरूं मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ। ये थे सलीम शिवालवी, एक बार जोरदार तालियां और सलीम शिवालवी जी के लिए बजा दीजिए। मोदी जी को तो इनको चीन की सीमा पे भेज देना चाहिए, आधे आदमी आधे चीनी तो मारे डर के हार्ट फेल हो जाए उनका। बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, ये ऊर्जा बनाए रखिएगा अपनी। अच्छा लगता है जब सलीम शिवालवी राम की बात करते हैं, अच्छा लगता है जब सलीम शिवालवी तुलसी की बात करते हैं, अच्छा लगता है जब सलीम शिवालवी कहते तिरंगा कफन के साथ रहे। तब दो पंक्तियां आपको देना चाहता हूं कि इतना तो तेरे दर पे, एक कवि सम्मेलन उधर भी चल रहा है, दो दो कवि सम्मेलन चल, एक के साथ एक फ्री।